जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को एमएस निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है वो भी पिछले कुछ दिनों पहले बढ़ाया है। जैसे कि बात करें धान का 72 रुपये बढ़ा दिया, दूसरी जो फसलें हैं उनका भी बढ़ाया, किसी का 20 रुपये बढ़ाया, उर्दों पर जो जैसे उर्द की दाल है दूसरी दाल है उन पर करीब करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर के सरकार ने और जो सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके सहयोगी दलों के नेता हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, किसान हितैषी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में इतने रुपए की जो वृद्धि है ये किसानों का भला करने के लिए है और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। हमारे बीच किसान नेता मौजूद है रामपाल चहल जी, उनसे जानेंगे कि सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है क्या इससे वास्तव में किसानों का भला हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत सारी जैसे खाद दवाई बीज इन पर जो महंगाई है इनके रेट बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ने से किसानों की जो फसल की उत्पादन लागत है वो बढ़ रही है, ऐसे में क्या सरकार का 72 रुपये प्रति क्विंटल धान पर रेट बढ़ाना क्या उचित है, क्या कदम है, क्या ये किसानों का फायदा हो रहा है, हम जानेंगे रामपाल चहल जी से। सबसे पहले रामपाल चहल जी, जनता हलका पर आपका स्वागत है। आपके जनता हलका पर आवाज़ उठाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने छोटी बड़ी सभी खबरें किसान की आवाज़ लेकर जावा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सरकार ना MSP पर कह रहे ना रेट बढ़ाए भी हैं कुछ, लेकिन ये खाली ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है, क्योंकि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी C2 फार्मूला लागू होना था उस पर 50% मुनाफा मिलना चाहिए था, उसके हिसाब से बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ये पता नहीं अपना कौन सा फार्मूला ठा रखा उसके ऊपर बढ़ावा। अभी जो बढ़ाया वो भी किसान को नहीं मिल रहा, दुख की बात तो यह है, सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है। धान को ले अगर तो अभी इन्होंने 72 रुपये बढ़ाए इसके, और मेरे ख्याल में 1940 रुपये हो गया, 40 और 60 दो ग्रेड हैं। तो अभी अगर ये C2 प्लस 50% फार्मूले में बढ़ा दे तो यानी बीच में रुक के जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार का जो रेट देने देता है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर उसके हिसाब से बढ़ा दें तो हमारा अभी 2660 रुपये हो जाना था, सीधा सीधा नुकसान हो रहा है किसान को, 600 साढ़े 600 रुपये पर क्विंटल। और कॉस्ट बढ़ गई, इन्होंने जो बढ़ाया यू ये 3% बढ़ाया MSP, और हमारी कॉस्ट बढ़ गई 6%। अगर हम डीजल को, खाद को, दवाइयों को देखा तो इन्हें क्या बढ़ाया और खोस लिया हमारे से, कहने को तो MSP बढ़ा दिया लेकिन किसान को इसको कुछ भी लाभ नहीं है, ये तो एक उल्टा सीधा सीधा नुकसान, यानी जो लागत है वो दुगनी हो गई है और जो मिल रहा है किसान को, जो MSP जो बढ़ाई गई है धान की बात इस समय हम कर रहे हैं, धान की 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई है, लेकिन जैसा चहल साहब बता रहे हैं उसके अनुसार किसान को आधा लाभ हुआ है, उस हिसाब से आधा नुकसान इसलिए क्योंकि जो खर्चा है वो दुगना हो गया फसल के उत्पादन पर और जो सरकार ने दिया है वो कम दिया है। तो क्या इस तरह के जो फार्मूले सरकार लगा रही है, इस तरह के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, क्या इससे किसान की आय बढ़ रही है? इससे आय नहीं बढ़ रही, इससे तो बल्कि उसका खर्चा बढ़ रहा है। और ये कहने को कह रहे हैं कि हम 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन एक तो ये बात नहीं है बता रहे भी आप कौन से सन का रेट ठाओगे जो उनसे आप दुगनी करेंगे, और दुगनी तो फिर खर्चा भी जोड़ो ना साथ में, जो आज की कॉस्ट है वो लगाओ। आज डीजल कहाँ चला गया, 100 रुपये लीटर लेना पड़ रहा। अगर डीजल की भी बात करा किसान तो एक 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 किले में जितना डीजल जलेगा उतना उसना पूरे धान पर रेट नहीं मिला। और इस अलग जो खाद है, दवाइयाँ हैं, लेबर इतनी बढ़ गई, कौन कौन सा खर्चा किसान का जोड़ेगा? अगर सारे खर्चे जोड़ा तो ये आज नुकसान में है, किसान फायदे में नहीं है, इसलिए ये तो जुबला है, फैलते हर छमाई फेंकदा, लेकिन उस पर भी तो लेने नहीं, दुख की बात ये है। बड़ी दर्शकों सबसे बड़ी बात यानी सरकार जो
न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रही है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी चाहे वो जिस भी रूप में कर रही है, लेकिन दुखद बात जो सामने आ रही है वो ये कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय कर रही है उस पर भी खरीद नहीं हो रही है किसान की फसल की। जब उस पर भी किसान की फसल की खरीद नहीं होगी तो निश्चित तौर पर किसान को नुकसान होता है और किसान गुस्से में होता है, क्योंकि उसको उसकी मेहनत का जो फल है वो भी पूरा नहीं मिल पाता। ऐसे में जो सरकार दावे कर रही है कि किसानों के हितों में बहुत सारे काम हो रहे और ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार तो सिर्फ कागजी दावे करा, धरातल पर कुछ भी नहीं है। 7 साल इसको बने को हो गए, लेकिन इसने देश बेच लिया, किसानी बेचने पर खड़ी है। किसान 7 महीने से दिल्ली को घेरे बैठे, लेकिन किसान अपनी किसानी नहीं बेचने देंगे। उसके लिए कितना भी बलिदान देना पड़ा और इतना इरादा कर बैठे किसान कि चाहे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 तक बैठना पड़े, उसके लिए भी किसान तैयार रहेगा। लेकिन इसकी इस जो है मनसा पड़े बैठे भी किसानी भी इसका पूंजीपतियों के हाथ में देना, ये इसकी मनसा पूरी नहीं होने देंगे, मनसा पूरी नहीं होगी। एक और किसान हमारे बीच मौजूद है, इनसे जानेंगे सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है आप क्या मानते हैं, ठीक है ये? समर्थन मूल्य बढ़ाया जी, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा देने वाली बात करी सरकार ने। अब 10 रुपये देकर 150 रुपये ले लो, 10 रुपये सरकार दे रही है, 150 ले रही है। समर्थन मूल्य बढ़ाया 72 रुपये, और जी डीजल के रेट बढ़ा दिए 6 गुना डीजल के रेट बढ़ा दिए। आप अंदाज़ा लगाओ कि 72 रुपये क्विंटल का रेट बढ़ाया, और लीटर का रेट बढ़ गया जी 72 रुपये, लीटर का रेट बढ़ गया 72 रुपये। तो सरकार कहाँ का दे रही जी, सरकार तो खोस रही है किसान को, लूट रही है किसान को। समर्थन मूल्य असमर्थन मूल्य पर कोई चीज़ नहीं बिक रही, कोई भी चीज़ जीरी है जीरी आज समर्थन मूल्य पर क्या कोई डेरी बिक जाए नहीं, उसमें भी कट लगा जी। तो किसान का क्या भला करेगी सरकार जी, सरकार तो किसान को उजाड़ने पर खड़ी है जी। देखिए किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो सरकार है ये किसानों को उजाड़ने पर तुली हुई है, क्योंकि किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उस पर उनकी फसल नहीं बिकती, तो ऐसे में सीधा सीधा किसान को नुकसान होता है। जब किसान को नुकसान होता है और वो अपनी फसल मंडी में लेकर आता है तो वो जो मेहनत उसने की थी अपने परिवार सहित, वो मेहनत उस पर पानी फिरता उसको नज़र आता है। ऐसे में किसानों की इस पीड़ा को, किसानों के इस दर्द को हम और भी लोगों तक पहुंचाएंगे और भी लोगों को सुनवाएंगे आपको कि वो क्या कहते हैं, आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं इस MSP को लेकर के और किसानों की क्या राय। मूल्य में वृद्धि हुई है 72 रुपये और दूसरी फसलों में भी सरकार ने वृद्धि की है, क्या ये वृद्धि किसानों के लिए अच्छी है, खुशखबरी है, क्या कहना चाहेंगे? आपको पता ही है कि किसान किस तरह से BJP के खिलाफ है और मोर्चा खोल रखा है BJP के खिलाफ, और किसान की जो MSP थी उसके ऊपर ये लड़ाई है, और सरकार कहीं भी उनके साथ बातचीत करने को और झुकने को तैयार नहीं है। तो ये जो उन्होंने देखा कि BJP के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, MPs हैं, उनका किस तरह से विरोध हो रहा है और उनकी मुंह को खानी पड़ रही है, वो अपनी जान माल बचाने के चक्कर में अपने घर पर दुबक कर बैठे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो थोड़ा सा रेट इनको दिया है बढ़ा के, ये इसलिए दिया ताकि भाई कहीं ना कहीं किसान का जो ये आंदोलन चल रहा है टूटने का काम हो, ये थोड़े से आराम से बैठ जाए और ये अपनी बाद में मनमानी कर सकें। आप देख लीजिए जितना इन्होंने पीछे भी जैसे पेस्टिसाइड के, खाद के और डीजलों के जो दाम बढ़ाए हैं, क्या उन दामों के उपेक्षा जो इन्होंने इस फसल के मामूली से दाम बढ़ाकर, क्या उसकी तुलना आप कर सकते हो? जो आय दुगनी की बात हो रही है 2022 में, किसानों की आय दुगनी हो रही है, क्या इस तरह की जो ये दामों में वृद्धि है क्या इससे आय दुगनी हो रही है? आय तो तिगुनी कर दी उन्होंने, जो लागत मूल्य था फसलों पे वो तिगुना हो गया, आय दुगनी नहीं हुई। आय तो अब खेती में बसता ही कुछ नहीं है, खेती में गुजारा करना लोगों का मुश्किल हो रहा है। लोगों के पास कितनी जमीन है, छोटे छोटे जमींदार हैं, और वो साल साल भर उसमें मतलब कि एक मजदूर की तरह काम करते हैं। एक मजदूर की भी दिहाड़ी दिन की 400 से 500 रुपये तक है, और उनको तो 100 रुपये भी नहीं पड़ती किसान को, तो अगर जो उसकी मजदूरी लगाई जाए तो क्या बढ़ाने का काम किया। आए तो इन्होंने तो किसान को कर्जमंद और एक मजबूर और आर्थिक रूप से तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। किसान तो आज बहुत परेशान है,
कितने केस सुसाइड के बढ़ रहे हैं, कितना बोझ उन पर पड़ रहा है। रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो एजुकेशन है बच्चों की, चाहे वो दवाइयों की बात है, कपड़े की बात है, जो भी घर में जो यूज की चीज़ें हैं, वह उनका जो रेट है वह कई कई गुना बढ़ा है इस सरकार में, कई कई गुना। और उसके उपेक्षा जो फसल की बात कहने की कहते हैं अभी, फसल को तो कुछ भी नहीं बढ़ा, फसल का तो सिर्फ लागत, जो लागत आती थी वो बढ़ी है और वो कई गुना बढ़ी है। इससे तो किसान बिल्कुल ही हताश और मजबूर है, और इसी मजबूरी के कारण आज वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है इस कोरोना काल में भी, अपनी जान को दाव पर लगाकर प्रदेश का और पंजाब के भी और भी प्रदेशों के जो किसान हैं वहाँ पर धरने पर बैठे, इसीलिए बैठे हैं अभी, सरकार उनके बारे में कुछ ना कुछ करे। कितना बढ़ाना चाहिए था दाम सरकार को? सरकार को एक पैमाना बनाना चाहिए भी, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड है, डीजल है, कहीं जो लागत मूल्य है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, पेस्टिसाइड है, बीज हैं, कई चीज़ें हैं, जैसे उसमें मजदूर काम करने वाला है उसकी दिहाड़ी बढ़ गई है, कहीं पहले 200 रुपये में मजदूर मिलता था, आज वो 500-600 रुपये में मिलता है, तो इस तरह की कई चीज़ें बढ़ी हैं। नई नई टेक्निक आती है, वो टेक्निक भी महंगी पड़ती है किसान को खेती करने के लिए, तो उस पैमाने से उसका जो है मूल्य सरकार को देना चाहिए, ताकि वो कर्ज मंद ना हो, अपने परिवार का सिर्फ बढ़िया से गुजारा कर सके। उस किसान को और कुछ नहीं चाहिए, किसान कभी भी अपनी फसल मंडी में बेच के पैसा घर लेके नहीं जाता, वो कर्जा देता है तब घर जाता है। आपने सुना किसानों को, आपने सुना व्यापारियों को, आपने सुना जो दूसरे दुकानदार हैं उनको, कि जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार बढ़ा रही है, और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा करके दावे कर रही है कि किसानों के हितों में काम हो रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो रही है, लेकिन आपने सुना है कि किस तरह किसान आय दुगनी की बात कर रहे हैं? कहीं हो रही है, नहीं हो रही है? कौन सी फसल दुगनी आय पर बिक रही है, कौन सी फसल कम बिक रही है? लेकिन इस समय हम मक्के की बात आपको कर रहे हैं। मक्के पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित है, उससे कम कीमत किसानों को मिल रही है, और जब कीमत कम मिलेगी तो किसानों को नुकसान होगा, और किसानों को नुकसान होगा तो किसान का जो पूरा परिवार है प्रभावित होगा, और किसान से प्रभावित होने के बावजूद पूरा जो बाजारी व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि देश में 60% से अधिक जो किसान है उस पर पूरा देश किसानी पर आधारित है, और जब किसान प्रभावित है तो पूरी बाजारिक व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। सरकार को चाहिए किसानों की आर्थिक दशा को सुधारे, इंतजाम कोई भी हो, प्रयास कोई भी हो, लेकिन किसान की हालत सुधरनी चाहिए, तभी इस किसान का भला होगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।